नमस्कार। जिले भर की तमाम ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। करोड़ों रुपए की नल जल योजना ठप पड़ी है। लोग पानी की वजह से त्राहि त्राहि कर रहे हैं, लेकिन पीएचई विभाग द्वारा सुध नहीं ली जा रही। इसके अलावा बस स्टैंड के हालात अब भी वही है। 5 दिन पहले खबर दिखाई गई थी कि यात्री प्रतीक्षालय में पंखे नहीं चल रहे। 24 घंटे का आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही व्यवस्था सुधरेगी। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान। 336 नल जल योजनाओं में से 152 योजनाएं पड़ी ठप। पांच दिन बाद भी नहीं सुधरे बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय के हालात। गर्मी से जूझ रहे यात्री, पंखे बंद। और सोमवार को सिविल सर्जन ऑफिस में लगी थी आग। आग बुझाने में शामिल लोगों को कलेक्टर ने किया सम्मानित। विद्युत विभाग की अनचाही कटौती से रहवासी हो रहे परेशान। अधिकारियों ने कहा जल्द ही सुधरेगी व्यवस्था। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। सबसे पहले आपको दिखा दें बड़ी खबर। इस भीषण गर्मी में जहां लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, ऐसे में पीएचई विभाग की सक्रियता पर सवाल उठता है कि आखिरकार ये विभाग साल भर से क्या कर रहा है और इसके पास क्या काम है। हम आपको बता दें कि पूरे जिले में 336 योजनाओं पर पैसा आया था, लेकिन इनमें से लगभग आधी योजना यानी 156 योजनाएं ठप्प पड़ी हैं। जो लिस्ट जारी की गई है उनमें से कुछ योजनाओं में लिखा है कि योजनाएं चालू हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये योजनाएं भी कहीं कहीं पर बंद पड़ी हैं जिन्हें कागजों में चालू दिखाया गया है। इसके अलावा हाल ही में कुछ ग्राम पंचायतों को 50,14,000 रुपए जारी भी किया गया है, जिससे वहां पानी की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार साल भर तक पीएचई विभाग के अधिकारी करते क्या हैं? इन योजनाओं के लिए जो पैसा आया था उस पैसे का क्या हुआ और ये योजनाएं आखिरकार ठप क्यों पड़ी हैं और आगे कब तक इन योजनाओं को ठीक किया जाएगा, चालू किया जाएगा। हालांकि इस मामले में जब किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो यहां से अधिकारी भी नदारद मिले। अधिकांशतः ये होता है कि पीएचई विभाग के अधिकारी अपने ऑफिस से नदारद मिलते हैं या फिर बाइट देने से बचते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर सुबोध त्रिपाठी के पास। देखिए, हम आपको बता दें कि पेप्टेक की टीम ने तो ये सर्वे किया है, जहां पर छतरपुर में, छतरपुर जिले की बात करें तो जो नल जल योजना है पीएचई द्वारा जो इनका संचालन किया जाता है, तो इनमें करीब 336 योजनाएं चलाई जा रही हैं जिले में। और जो बाकी इनकी वर्तमान की स्थिति है तो करीब 152 योजनाएं हैं, जो करोड़ों की योजनाएं हैं वह बंद डली हुई हैं। कई ग्राम पंचायतों में जो कागजों में है वह योजनाएं चालू दिखाई जा रही हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति पर वहां पर योजनाएं बंद डली हुई हैं। वहीं पीएचई के ई से इस संबंध में बात हुई है, जब महेंद्र सिंह से बात हुई है तो उनका कहना था कि लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है और दो भागों में उन्होंने राशि भी जारी की गई है ग्राम पंचायतों को, क्योंकि ग्राम पंचायत इसका पूरा संचालन करती हैं। तो उनका कहना है कि उनको जिला पंचायत के माध्यम से उनको पैसा भेजा गया है। एक किस्त में 55 लाख रुपए भेजा गया है, दूसरी किस्त में 50 लाख रुपए भी भेजा गया है। उनका कहना है जल्द ही सभी योजनाओं को दुरुस्त किया जाएगा और किसी भी तरह में पानी से निपटने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे और कहीं पर भी पानी की कमी महसूस नहीं होगी। 335 नल जल योजनाएं हैं छतरपुर जिले में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 150 योजनाएं बंद हैं। ये बंद विभिन्न कारणों से हैं। तो वर्तमान में ग्राम पंचायतों को इसमें पैसा दिया गया है। पहले चरण में लगभग 57 योजनाओं को 58 लाख करीब दिया गया था और फिर 50 योजनाओं को फिर अपन ने 58 लाख रुपये दिया है और इसमें से ग्राम पंचायतें योजनाएं चालू कर रही हैं। इसका संचालन संधारण का जो दायित्व है ग्राम पंचायतों का है, हम इसको अपनी तकनीकी सलाह देकर योजनाओं को हम चालू कर पा रहे हैं।
5 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय के पंखे बंद पड़े हैं और यात्री गर्मी में बेहाल हैं। इस मामले में नगरपालिका सीएमओ से बात की गई तो उनका कहना था कि जल्द ही व्यवस्था सुधारी जाएगी, लेकिन 5 दिन बाद जब हमने एक बार फिर से वहां जाकर देखा तो पता चला कि हालात जस के तस हैं। इस मामले में एक बार फिर से नगरपालिका सीएमओ कामता प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर ही व्यवस्थाएं सुधार ली जाएंगी। आपके द्वारा जानकारी मिली है और कल ही वो सुधर जाएगी और सब पंखे चलेंगे। नहीं, कोई बिल विशेष नहीं, पूरा पेमेंट। बस स्टैंड पर बने दो यात्री प्रतीक्षालयों में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पे पंखे न चल पाने की वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस मामले में नगरपालिका से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर इसमें सुधार किया जाएगा। हम आपको बता दें, बस स्टैंड पर दो यात्री प्रतीक्षालय हैं जिसमें पंखे की व्यवस्था है लेकिन यहाँ पर चालू नहीं है। जब यहाँ पर पता किया गया तो यह पता चला है कि यहाँ नगरपालिका द्वारा कोई भी इंजीनियर नहीं पहुंचा है पंखे को सुधारने के लिए। तो कई ऐसे पंखे हैं जो बंद पड़े हैं, एक भी पंखे चालू नहीं है। इसके अलावा जो टीवी लगी हुई है वो भी चालू नहीं है। तमाम चीज़ों को लेकर जब नगर पालिका के सीएमओ कामता गुप्ता से बात की गई तो उनका कहना है कि जल्द ही इसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 7 दिन पहले भी यहाँ पे पेप्टेक की टीम द्वारा अवगत कराया गया था और जब भी कहा गया था कि जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। एक बार फिर से सीएमओ का कहना है कि 24 घंटे के भीतर यहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकेंगी। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे मीडिया द्वारा एक सप्ताह पहले भी अवगत कराया गया था लेकिन आज भी यहाँ पे सुधार नहीं किया गया है और एक बार फिर से सीएमओ ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर यहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका कब तक इस मामले को गंभीरता से लेती है। लाइव रिपोर्टर्स के लिए लोकेश चौरसिया। सोमवार को सिविल सर्जन ऑफिस में अचानक ही आग लग गई थी। आग लगने के कारण हालांकि अभी तक पता नहीं चले हैं, लेकिन यहां आग बुझाने के लिए लोग पहुंचे, 3 फायर ब्रिगेड पहुंची और जिन लोगों ने आग बुझाने में मदद की थी, कलेक्टर रमेश भंडारी ने उन लोगों को माला पहनाकर सम्मानित भी किया। सम्मानित होने वालों में कोतवाली टीआई के खनेजा, अखिलेश मातेले, केशव पटेल, अनिल सोनी, मोहम्मद फरीद, राहुल वाल्मीकि और आशीष श्रीवास शामिल थे। कलेक्टर ने इन लोगों की भूमिका की तारीफ की। कल सिविल हॉस्पिटल में आग लगी थी। मोहल्ले के और शहर के कुछ नौजवानों ने आग बुझाने में प्रशासन और पुलिस को अपनी जान पर खेल कर सहयोग दिया। उन लोगों को आज प्रारंभिक तौर पर बुला के, क्योंकि मैं उनको उनसे मिलना चाहता था, इसलिए आज उनको केवल हार फूल पहना के उनका स्वागत किया गया और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आगामी कोई जो बड़ा शासकीय कार्यक्रम होगा उनमें इन 5-6 लोगों को बुला के हम सम्मानित करेंगे। चाहे 15 अगस्त हो या कभी ये मुख्यमंत्री जी या कोई मंत्री का कार्यक्रम हुआ तो हम हमारा प्रयास रहेगा कि सबको सम्मानित किया जाए। अस्पताल में अचानक आग लग जाने से हमारे मित्रगण आशीष अनिल सोनी जी और सभी लोग, केशव पटेल, हमारे माननीय टीआई साहब और हम सब लोगों ने जान में जोखिम खोल के यहाँ पे जो मेहनत की है, सबने अपना साहस दिखाया है, इसके लिए हमारे माननीय कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, टीआई साहब ने सब लोगों का सम्मान किया है, जिससे लोगों को ये लगे कि काम कितना भी जोखिम है, यदि आप में साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो बड़े से बड़ा आग पर काबू पाया जा सकता है। इसकी पूरी मिसाइल हमारे सभी लोगों ने दी है। एक ओर जहां तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है तो वहीं दूसरी ओर गर्मी से हलाकान लोग विद्युत कटौती से भी परेशान हैं। महोबा रोड और उस तरफ के कई इलाकों में सोमवार को लाइट बंद रही या आती जाती रही, रविवार को भी ऐसे ही हालात रहे, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान रहे। बच्चे रात भर सो नहीं पाए और लोगों के भी गर्मी की वजह से हाल खराब रहे। इस मामले में विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सौरव फीडर में कुछ गड़बड़ी आ जाने की वजह से ऐसा हुआ है और जल्द से जल्द व्यवस्थाएं सुधार ले जाएंगी। हाँ, लाइन फॉल्ट होने से ऐसी दिक्कत हुई है और रात में लाइन फॉल्ट हो गई थी, सुबह जंपर वगैरह निकल गया था तो उससे दिक्कत हुई थी, तो रात में लाइट को सुधार करवा दिया गया था। इस मामले में व्यापारी नेता लालचंद्र लालवानी का कहना है कि कलेक्टर रमेश भंडारी की ढिलाई का फायदा कुछ अधिकारी उठा रहे हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण एवन के जो कुछ अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके कारण ही यहाँ विद्युत की दिक्कत आ रही है। इसके पहले कभी भी लाइट नहीं गई है, लेकिन ये देखा जा रहा है जो अपने ज़िले के कलेक्टर साहब हैं उनकी ढिलाईपन का कुछ अधिकारी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और मैं कलेक्टर साहब से अपेक्षा करता हूँ कि विद्युत विभाग के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएँ ताकि शहर में जो लाइट कटौती हो रही है उससे आम जनजीवन, हमारे बच्चे और परिवार के लोग बड़े ही परेशान हैं।
कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, आराई और कोटवार हड़ताल पर डटे हुए हैं, जिनकी वजह से काम काफी प्रभावित है। कृषि विस्तार अधिकारियों की 9 सूत्री मांगे हैं, तो वहीं पटवारी और राजस्व अधिकार आरआई की जो मांगे हैं वो 6 सूत्री हैं। इसके अलावा कोटवार भी 2 सूत्री मांगों पर धरने पर बैठे हुए हैं। मोटी के महावीर मंदिर में सरपंच और सचिवों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह और ब्रजेंद्र चतुर्वेदी जो कि सचिव हैं, उनका ये कहना था कि बुधवार से एक बार फिर से सरपंच और सचिव हड़ताल पर जाएंगे। पिछली बार जिन लोगों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया था, ऐसे लोगों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया गया। आज जो बैठक बुलाई गई है मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन एवं सरपंच सचिव संगठन प्रांत द्वारा जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है अनिश्चितकालीन आंदोलन का, किसी कारण से कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने हमारे कुछ पदाधिकारियों को घृणित करके आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया था। इसी विषय में हम सभी लोगों ने, पूरे जिले के 8 विकास खंड के सभी साथियों ने यहाँ बैठ के मोटे के महावीर हनुमान जी महाराज के सामने ये संकल्प लिया है कि जब तक पूरे प्रदेश में आंदोलन चलेगा, मध्य प्रदेश के सचिव संगठन, सरपंच सचिव संगठन के साथ छतरपुर जिले का सारा पंचायत सचिव और सरपंच सचिव संगठन अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगा। दोपहर लगभग 12 बजे कांग्रेस नेत्री नीलम शुक्ला के नेतृत्व में छत्रसाल चौराहे पर महिलाओं ने शराब के विरोध में अचानक ही जाम लगा दिया। आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही, जिसमें लंबी लंबी कतारें लग गई। जैसे इस बात की खबर कोतवाली टीआई के खनेजा को लगी, वे दलबल के साथ यहां पहुंचे और महिलाओं को समझाइश दी गई। इसके बाद महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और यहां पर ज्ञापन सौंपा। उनके हाथ में देशी शराब के पाउच थे। उनका कहना था कि शराब की वजह से परिवार बर्बाद हो रहे हैं और इसे जल्द बंद होना चाहिए। शराबबंदी को लेकर जाम लगाया हुआ है, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं कि जाके ऑफिस में ज्ञापन दे आते हैं 10-15 लोग, हम वो ज्ञापन भी जब वो नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे पब्लिक में, आम पब्लिक में जाके ये मैसेज दिया है कि उन लोगों को भी दिमाग में आए कि अगर ये शराब बंद होगी तब हम लोग छोड़ पाएंगे, वरना वो लोग नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि वो एक लत ऐसी है कि उसको समझाने से कोई नहीं मानने वाला, तो जब ये मिलेगी नहीं तो पिएंगे कहाँ से। और इसकी वजह से 75% महिलाएँ घरेलू हिंसा का शिकार हो गई। इसके लिए हम लोगों ने आज जो प्रदर्शन किया है, वो जो ज्ञापन आया है वो सीएम के नाम है, या उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया जाए। मऊ सहनिया और माधोपुर के तमाम आदिवासी छतरपुर जिला मुख्यालय आए। यहां पर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि सरपंच सचिव द्वारा गांव में चल रही योजनाओं की न तो जानकारी दी जाती है और न ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि कई ऐसे लोग भी हैं जिनके बीपीएल कार्ड बने हैं, बावजूद उसके उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। मांग तो 10 सूत्रीय ज्ञापन हमने राज्यपाल महोदय को दिया है और इन गरीबों को आज से 6 माह पूर्व जो है इनके मुद्दों को लेकर, इनकी समस्याओं को लेकर हमने कलेक्टर महोदय को अल्टीमेटम दिया था, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर इनके जो है, इन आदिवासियों के किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं है, ना इनको बीपीएल में है, ना इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है, इसलिए इन आदिवासियों की सभी समस्याओं को लेकर मैं यहाँ पर आज उपस्थित हूँ। उबेर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि नौगांव में लगभग 4 माह पहले हुई चोरी में इस युवक का हाथ है। उबेर की सूचना पर बस स्टैंड पर बीती रात राकेश उर्फ मुकेश को गिरफ्तार किया गया, जो कि सुपवा नौगांव का रहने वाला है। नौगांव के ग्राम ठठेवरा के निवासी श्री चौबे के यहाँ लगभग 4 माह पहले चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 1 लाख रुपए की कीमत के गहने चोरी हुए थे। ये आज रात को एक चोर पकड़ा गया था, उससे पूछताछ करी तो उसके में चोरी का माल मिला। वो चोरी उसने करीब 4 महीने पहले ठठेवरा गांव में चौबे जी का परिवार है उसके यहाँ से चोरी करी थी, जिसमें कि करीब 85,000 रुपये के जेवरात उनको बरामद हो चुके हैं। और इसके अन्य साथी जो इसका भाई एक चोर है और एक मुरली नाम का व्यक्ति, उसकी तलाश की जा रही है और जब मिलाए तो 6 मासूर का बरामद होगा और अन्य चोरियों के बारे में भी इससे पता रहा। ओवर रोड पर स्थित अनुसूचित जाति जनजाति हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए एक रैली निकाली, जो कि महोबा रोड की छात्रावास से शुरू होकर पन्ना नाके पर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर आकर संपन्न हुई। यहां पर कार्यक्रम का आयोजन आम सभा का आयोजन भी किया गया। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में महोबा रोड से SC/ST हॉस्टल से पन्ना नाके तक निकाली गई है, बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान। 336 नल जल योजनाओं में से 152 योजनाएं पड़ी ठप। पांच दिन बाद भी नहीं सुधरे बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय के हालात। गर्मी से जूझ रहे यात्री, पंखे बंद। और सोमवार को सिविल सर्जन ऑफिस में लगी थी आग। आग बुझाने में शामिल लोगों को कलेक्टर ने किया सम्मानित। विद्युत विभाग की अनचाही कटौती से रहवासी हो रहे परेशान। अधिकारियों ने कहा जल्द ही सुधरेगी व्यवस्था।